गुरुग्राम में अब मीटर कैटेगरी ट्रांसफर करवाने के लिए लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए गुरुग्राम बिजली विभाग की तरफ से अब ऑनलाइन ही यह सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। वहीं लोगों को नाम चेंज कराने और मीटर कैटेगरी को चेंज कराने के लिए कोई अलग से फीस भी नहीं देनी होगी। गुरुग्राम में DHBBN की तरफ से यह सुविधा ऑनलाइन तो की गई है, साथ ही साथ लोगों को नीचे में नाम बदलवाने और मीटर की कैटेगरी को चेंज कराने के लिए परेशानी उठानी पड़ रही थी, जिसके कारण लोगों को अलग से कागजात जमा कराने होते थे, साथ ही साथ उन्हें इसके लिए फीस भी देनी होती थी। लेकिन विभाग की तरफ से इस समस्या को समाप्त करने के लिए अब ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी गई है, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी और कोई भी व्यक्ति मीटर में नाम बदलवाने के लिए ऑनलाइन ये अप्लाई कर सकता है। ये आपने बहुत ही एक अच्छा प्रश्न पूछा, जिसके बारे में लोगों को जानकारी देना हमारा दायित्व है। जब हमारा सिस्टम ऑनलाइन नहीं था, उस समय सारा काम मैनुअल होता था, तो हमने एक सिस्टम जब बनाया, नया सिस्टम बनाया जिसको कंप्यूटराइज बनाया, तो उस समय कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नया कनेक्शन अप्लाई कर दिया, उसके लिए तो पूरी सुविधा थी। लेकिन अगर कोई चलते हुए कनेक्शन जो ऑलरेडी चल रहा है उसमें अगर चेंज ऑफ नेम करवाना है या चेंज ऑफ कैटेगरी करवानी है, तो उसमें ये समस्या आती थी कि उसमें पहले वाले कनेक्शन को कैंसिल कराया जाए, फिर नए जिसमें आप लेना चाहते हो उसमें दोबारा से अप्लाई किया जाए। और इस बारे में बड़ी भारी समस्या थी, भारी रोष भी था हमारे कंज्यूमर्स में कि वो पूरी जो एडवांस कंजम्पशन डिपॉजिट दोबारा जमा कराने पड़ेगा, पुराना को रिफंड करना पड़ता था। तो उसमें जो चेंज ऑफ नेम की जो सुविधा है वो ऑलरेडी अब दी जा चुकी है। अब आपको कोई चेंज ऑफ नेम के लिए किसी नए कनेक्शन को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध हो गई है।